जवानी में शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो हस्ती बुजदिलों की बगावत हो तो ऐसी हो। बुजदिल इसलिए, बुजदिल क्यों? बुजदिल इसलिए क्योंकि इन्होंने युवाओं को ठगा, नौजवानों को ठगा, पढ़े लिखा युवाओं को ठगा, हर घर को ठगा। जो बड़ी बड़ी बातें करके आए थे कि दो करोड़ रोजगार देंगे, और एक बार नहीं दो दो बार युवाओं को ठग के उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन आप बताइए, दो करोड़ रोजगार देना तो दूर की बात, जो रोजगार थे वो भी छिनते चले गए। चाहे इंडियन रेलवे की बात हो, वहां सालाना रोजगार कम हो गए। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात हो, वहां रोजगार कम हो गए। और रोजगार पैदा करने तो दूर जो हमारी एजेंसी थी वो भी लगातार बिकती चली गई। आप बताइए, एयर इंडिया बिका, ONGC बिका, BSNL बिका, और उसके सिवाय क्या क्या बिका अभी तक हमें नहीं पता। वो आस्ते आस्ते पोल खुलती जा रही है। नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। साथियों, ठीक है, किसी का एक बंगला टूटा, हमें बहुत दुख है, हमारे हिमाचल की बेटी थी, और मीडिया ने उसे ऐसा दिखाया, कुछ नहीं है, दिखाना चाहिए था। लेकिन जो देश के करोड़ों युवाओं का जो सपना टूट रहा है, जो उनकी उम्मीद टूट रही है, और अब तो उनका विश्वास भी टूट चुका है, क्या वो सही है? क्या वो सही है? लेकिन देश के युवाओं को भी चाहिए कि सड़कों पे आके उस सरकार से जवाब मांगे, जो सरकार दो दो बार जुमलेबाजी करके सत्ता में आई, किसी युवा को मूर्ख बनाया। उन युवाओं का भी आज हक बनता है कि सड़कों पे आके उस सरकार से जवाब मांगे कि भैया अब ये नहीं चलेगा। ठीक है, जो जवाब मांगता है उस पर केस कर दिए जाते हैं। ठीक है, कोई उसे पहले एंटी सिस्टम घोषित किया जाता है, फिर उसे एंटी गवर्नमेंट घोषित करते हैं, और थोड़ी देर बाद एंटी नेशनल तक घोषित कर दिया जाता है। जब एमरजेंसी लगी थी विरोध उस वक्त भी होता था, लेकिन उस तरह किसी इंसान पर इसी तरह एंटी नेशनल की तोहमतें नहीं लगाई जाती थी। मैं उसी इमरजेंसी के एक अनंत कुमार जी की कविता आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन की यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली, हर नगर, हर शहर में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश थी कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। तो जब इस युवा कांग्रेस जिंदाबाद, 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 युवाओं के सम्मान में, युवा कांग्रेस मैदान में, युवाओं के सम्मान में, युवा कांग्रेस मैदान में, रोजगार की मांग में, युवा कांग्रेस मैदान में, रोजगार की मांग में, युवा कांग्रेस मैदान में। हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभारी दामन बाजवा जी का हमारी देवभूमि पहुंचने के लिए। मैं चाहूंगा एक बार ताली बजाकर हम इनका स्वागत कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं हमारे अध्यक्ष मनीष ठाकुर जी का, गागा जी का, अमरप्रीत लाली जी का, और ये जो लड़ाई हमने शुरू की है इसे हम एक कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। और मिलकर हम ये वादा करते हैं कि जब तक मोदी बेरोजगारी पे अपना मुंह नहीं खोलते, कोई ठोस कदम नहीं लेते, ये हमारी लड़ाई इसी तरह चलती रहेगी। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय युवा कांग्रेस। आवाज तो हमें।